हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जल उपयोगिता संगम टोकरा बांध के अध्यक्ष पद के लिए मतदान हुए। भरत सिंह देवड़ा पीथापुरा बने अध्यक्ष। सिरोही जिले के बड़े बांधों में सुमार आबू पर्वत के वादियों में बचा टोकरा बांध के जल उपयोगिता संगम के चुनाव बुधवार को शांतिपूर्वक संपन्न हुए। जल उपयोगिता संगम टोकरा बांध के अध्यक्ष पद के लिए दो उम्मीदवार खड़े हुए थे। पीथापुरा के भरत सिंह देवड़ा और गुलाबगंज के दीपा राम चौधरी के बीच महामुकाबला था, जिसमें भरत सिंह देवड़ा 131 वोटों से विजय हुए। दोनों उम्मीदवारों ने जीत के लिए पूरा दमखम ठोक दिया था। वहीं कई दिनों से हर वार्ड वाइज लोगों से मिलते थे, टोकरा बांध क्षेत्र में मतदाताओं को लुभाते दिखते मिले और पानी नहर संबंधी हर समस्या का समाधान करने का पूरा आश्वासन दिया। टोकरा बांध जल उपयोगिता संगम के कुल 6 वार्ड हैं और एक अध्यक्ष पद है। इस चुनाव में 5 वार्ड निर्विरोध हुए, बल्कि एक पर चुनाव हुआ जिसमें भंवर सिंह को 149 वोट मिले, वहीं वनाराम चौधरी को 61 वोट मिले, 3 खारिज हुए और 88 वोटों से भंवर सिंह देवड़ा विजय हुए। लगातार 10 वर्षों तक देवड़ा रहे थे अध्यक्ष। आगे भी टोकरा बांध जल उपयोगिता संगम के चुनाव हुए थे। वर्तमान सिरोड़ी सरपंच शैतान सिंह देवड़ा जल उपयोगिता संगम टोकरा बांध के 10 सालों तक राज किया और कई काम किए, किसानों के लिए और टोकरा बांध की मरम्मत भी करवाई। वहीं शैतान सिंह देवड़ा ने बताया है कि ये चुनाव सबसे अलग ही होते हैं, क्योंकि इस चुनाव में वही लोग मतदान करते हैं जो टोकरा बांध की नहर के माध्यम से अपने खेत के पानी से सिंचाई करते हैं। वहीं चुनाव में भाग लेते हैं उनकी भी वोटर लिस्ट होती है। सुबह 8 बजे से शुरू हुआ मतदान शाम 5 बजे तक वोटिंग हुई। दोनों अध्यक्ष पद के दावेदार अपने पक्ष में मतदान कराने के लिए लोगों को मतदान बूथ तक लाते दिखे। लोगों को लाने के लिए गाड़ियों का काफिला तैयार था, कहीं कोई मतदाता छूट नहीं जाए। 6 बजे के बाद जैसे ही मतगणना पूरी हुई और भरत सिंह देवड़ा पीथापुरा को अध्यक्ष बनने की घोषणा हुई, उनको सहाने वाले बार लोगों की भीड़ जीत की शुभकामनाएं देने लगे और जय जवान जय किसान के नारे बोलने लगे और भरत सिंह देवड़ा पीथापुरा को माला पहनाकर स्वागत किया और ढोल बाजे के साथ गुलाल के साथ घर लेकर गए। अध्यक्ष के लिए कुल वोट पड़े 707। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक अध्यक्ष पद के लिए 760 मतदाताओं ने अपने अध्यक्ष की किस्मत का फैसला किया, जिसमें 404 वोट भरत सिंह देवड़ा पीथापुरा को मिले। वहीं गुलाबगंज के दीपा राम चौधरी को 273 वोट मिले। वहीं 30 वोट नोटा पर गए और 131 वोटों से भरत सिंह देवड़ा पीथापुरा विजय हुए। इस मौके पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष दीपेंद्र सिंह देवड़ा पीथापुरा शिव शंकर गुलाबगंज वनाराम चौधरी गुलाबगंज बाबा राम चौधरी पामेरा आदि मौजूद थे। जागरूक टीवी की नगाणी से खास रिपोर्ट।